डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास फिफ्थ, आई एम स्टार्टिंग योर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 14, आवर एनवायरनमेंट ऑफ योर साइंस बुक. व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरनमेंट? द एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग इन द वर्ल्ड अराउंड अस दैट सराउंड्स एंड अफेक्ट्स ऑल लाइफ ऑन द अर्थ. इट इंक्लूड्स बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स, एनिमल, बर्ड्स, insects, soil, water, air, etc. The things which exist in an environment are called elements. देखो environment क्या होता है, जो भी world हमारे चारों ओर है, जो हमारी हमें affect कर रहा है, life on earth को affect कर रहा है, जितनी भी living things on earth है उनको affect कर रहा है, ठीक है. All the things around us which are affecting our living life on the earth is called environment. It includes both living and non-living things. इसमें हमारी living और non-living things सारी आ जाती हैं, जैसे plants, animal, birds, insects, soil, water, air. तो आपको पता है plants, animal, birds, insect ये सब living है और soil, water, air ये सब non-living है. तो these things which exist in an environment and affect our life is called are called elements. तो ये सारी चीज़ें चाहे लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, जो एनवायरनमेंट के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट है और लिविंग लाइफ ऑन अर्थ को इफेक्ट कर रही है, दैट इज ऑल एनवायरनमेंट. दैट दीज आर एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट. इन सबको हम एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट बोलते हैं, विच आर इफेक्टिंग ऑल लाइफ लाइक प्लांट, एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट, सॉइल, वाटर, एयर. तो एनवायरनमेंट वो सारी चीज़ें हैं जो हमारे चारों ओर प्रेजेंट हैं और हमारी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं, वो एनवायरनमेंट. और ये सब इस एलिमेंट एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स हैं. कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? प्लांट, एनिमल, बर्ड, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, अर्थवर्म्स, ठीक है. द एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट कैन बी डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स, नेचुरल एंड मैनमेड और आर्टिफिशियल एलिमेंट्स. तो एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है. एक है हमारा नेचुरल जो गॉड गिफ्टेड है और दूसरा मैनमेड या फिर आर्टिफिशियल कह सकते हैं जो इंसान ने खुद बनाया है, ठीक है. सॉयल, वाटर, एयर, माउंटेन्स, रिवर्स, फॉरेस्ट, एनिमल्स, प्लांट्स एक्सेट्रा, दे आर ऑल नेचुरल एलिमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट. ये सब चीज़ें गॉड गिफ्टेड हैं, ठीक है. ये सो दे आर सेट टू बी नेचुरल वन एंड अफेक्टिंग द लाइफ ऑन अर्थ. एंड मैन मेड एलिमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट इंक्लूड बिल्डिंग्स, व्हीकल्स, रोड्स, हाईवेज, फैक्ट्रीज, डैम्स एक्सेट्रा. और ये सारी चीज़ें जो इंसान ने खुद बनाई हैं और इंसान की लाइफ, इंसान ने अपनी लाइफ को बेटर वे में जीने के लिए, अपनी सहूलियत के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए बनाया है, दे आर सेट टू बी मैन मेड एलिमेंट्स. इसमें क्या क्या आ गए? हमारे बिल्डिंग्स, व्हीकल्स, रोड्स, हाईवेज, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा. तो एलिमेंट को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, नेचुरल एंड मैनमेड. जो गॉड गिफ्टेड है वो नेचुरल है, ठीक है, चाहे वो लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, वो नहीं बोल रही, नेचुरल है मतलब गॉड गिफ्टेड है. एयर, वाटर, माउंटेन, एनिमल, प्लांट. मैनमेड जो इंसान ने बनाए हैं, बिल्डिंग, व्हीकल, रोड्स, हाईवेज एक्सेट्रा. Man-made element make the environment healthy and beautiful if added to it in a planned way. But the buildings and roads made without planning degrade the environment. Clean air, fertile soil and pure water keep the environment healthy. On the other hand, polluted air, infertile soil, dirty water etc. pollute the environment. अब देखो man-made things भी अगर systematic way में हो, planned way में हो, तो वो हमारे एनवायरनमेंट को हेल्दी और ब्यूटीफुल बना सकती हैं, ठीक है. लेकिन अगर वही बिल्डिंग, वही रोड्स बिना किसी प्लानिंग के रॉन्ग वे में कंस्ट्रक्टेड हो, तो वो एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर देती हैं, एनवायरनमेंट को ख़राब कर देती हैं. जैसे अगर हवा क्लीन हो, ठीक है, सुबह सुबह तुम उठे, फ्रेश एयर तुम्हें मिल रही है, तुम जॉगिंग करने गए हो, वॉक करने गए हो, तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा. वही अगर तुम बाहर निकले और बहुत सारे व्हीकल्स हैं, अपना स्मोक छोड़ रहे हैं, तो आपको बहुत बुरा लगेगा. फर्टाइल सॉइल है,
तो हमें अच्छी फर्टाइल सॉइल होने की वजह से अच्छी क्रॉप प्रोडक्शन होगी, अच्छे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ग्रो होंगे, हम लोग हेल्दी रहेंगे। प्योर वाटर, हम क्लीन वाटर पियेंगे तो हम लोग हेल्दी रहेंगे। लेकिन अगर यही इनफर्टाइल सॉइल होगी जिसमें कुछ ग्रो नहीं कर सकता, इम्प्योर वाटर होगा, कॉन्टेमिनेटेड वाटर होगा जिसको पीने से हम बीमार हो जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती हैं। तो एनवायरनमेंट का क्लीन रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चाहे मैनमेड एलिमेंट्स हैं उन्हें भी सिस्टमेटिक वे में, प्लांट वे में हमें रखना चाहिए, बनाना चाहिए, चाहे वो बिल्डिंग्स हो, रोड्स हो, ठीक है। और अपने जो नेचुरल एनवायरनमेंट की चीज़ें हैं, सॉयल, एयर, वाटर, दे शुड बी क्लीन, उन्हें साफ सुथरा रखना चाहिए, उन्हें पोल्यूट नहीं होने देना चाहिए, नहीं तो वो हमारे एनवायरनमेंट को ही पोल्यूट कर देंगे। अब देखो पोल्यूशन होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय पोल्यूशन। पोल्यूशन बेसिकली इज द डिस्चार्ज ऑफ एनवायरमेंटल कॉन्टेमिनेंट्स, अ पोल्यूटिंग और पॉइजनस सब्सटेंस दैट मेक्स द एनवायरमेंट डर्टी। पोल्यूशन कोई भी अनवांटिंग थिंग होती है बेटा, अनवांटिंग थिंग जो नहीं होनी चाहिए और हो रही है, ठीक है। हम डिस्चार्ज ऑफ एनवायरमेंटल कॉन्टेमिनेंट्स, कॉन्टेमिनेंट्स का मतलब क्या होता है, जो किसी चीज़ को पोल्यूट करे उसे कहते हैं कॉन्टेमिनेंट। इट कैन बी पोल्यूटिंग, इट कैन बी पॉइजनस, जो हमारे एनवायरमेंट को डर्टी करे वो हमारा कॉन्टेमिनेंट है, ठीक है। इट इज़ द कॉन्टेमिनेशन ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड। तो पोल्यूशन क्या होता है, ये कॉन्टेमिनेशन होता है एयर, वाटर एंड लैंड का, या फिर किसी भी अनवांटेड मटेरियल का एयर में मिक्स हो जाना, वाटर में मिक्स हो जाना, लैंड में मिक्स हो जाना, दैट इज कॉन्टेमिनेशन। एनवायरमेंट कैन बी पोल्यूटेड ईदर नेचुरली और बाई ह्यूमन एक्टिविटीज, नेचुरल फोर्स लाइक टाइडल वेव्स, वाइल्ड फायर, वॉल्केनिक इरप्शंस, टोर्नेडोज, साइक्लोन्स, सुनामीज एक्सेट्रा कोज ग्रेट डैमेज टू द एनवायरमेंट। अब कुछ तो नेचुरल फोर्सेस होती हैं जो हमारे एनवायरमेंट को पोल्यूट कर देती हैं, हम चाहें या ना चाहें, और कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ हम लोग ऐसी कर रहे हैं जिससे हमारा एनवायरमेंट पोल्यूट हो रहा है, ठीक है। तो नेचुरल फोर्सेस में हमारे क्या क्या आ जाते हैं, टाइडल वेव्स, टाइड्स उठती हैं, है ना, ओशंस वगैरह में, और वाइल्ड फायर, ठीक है, अपने आप ही जंगल वगैरह में आग लग जाना, वोल्केनिक इरप्शंस, अंडर अर्थ वोल्केनो का बाहर आ जाना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी एनवायरनमेंट को ग्रेट डैमेज कोज करती हैं, बट दीज आर नेचुरल फोर्सेस विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। बट जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी हमारे एनवायरनमेंट को डे बाई डे पोल्यूट कर रहे हैं, कॉन्टेमिनेट कर रहे हैं, क्योंकि हम कई टाइप के कॉन्टेमिनेंट्स, पोल्यूटिंग थिंग्स, पॉइजनस थिंग्स अपने रिसोर्सेज में एडअप करते जा रहे हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज ऑल्सो पोल्यूट द एनवायरमेंट, फॉर एग्जाम्पल स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स, फैक्ट्रीज पोल्यूट द एयर, डंपिंग ऑफ केमिकल्स एंड फैक्ट्री वेस्ट कॉन्टेमिनेट द वाटर, एंड गार्बेज एंड अदर वेस्ट स्पॉयल द लैंड और सॉइल। अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बात करें तो वो हमारे एनवायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, कैसे, जैसे हम लोग स्कूटर चलाते हैं, बस है, कार है, ऑटोज हैं, इसमें से रेगुलर स्मोक निकलती है और एयर का पार्ट बनती है, ऐसे फैक्ट्रीज में से धुआं निकलता है, स्मोक निकलती है जो एयर को पोल्यूट करती है, एयर को गंदा कर रही है। अब कई फैक्ट्रीज के वेस्ट होते हैं जो अपने आसपास जो भी रिसोर्सेज होते हैं, जैसे लैंड में डाल दिया या फिर वाटर में उन केमिकल्स को डंप कर दिया, ठीक है, जो भी केमिकल्स वेस्ट होते हैं उनके फैक्ट्रीज के, वो उसे वाटर रिसोर्सेज में जाकर डाल देते हैं, रिवर में, पोंड में, ठीक है, जिससे क्या होता है, हमारा वाटर कॉन्टेमिनेट होता जा रहा है, हमारा वाटर पोल्यूट होता जा रहा है। साथ में गार्बेज वगैरह, गंदगी जो है, वेस्ट वगैरह, वो लैंड और सॉइल को पोल्यूट कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारी ये सारी चीज़ें जो हैं, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, जो हम गलत तरीके से काम करते हैं, ठीक है, दे आर पोल्यूटिंग आवर एनवायरनमेंट, बिकम्स हार्मफुल फॉर एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमंस। प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस सर्वाइव बाय अडेप्टिंग विद द एनवायरनमेंट, दिस इज कॉल्ड नेचुरल बैलेंस। Environmental pollution disturbs the balance of nature and causes natural disasters.
Once the environment becomes polluted, it is very difficult to clean it. अब देखो polluted environment जो है वो सबके लिए नुकसानदायक है, सबके लिए harmful है, चाहे वो living life कोई भी अर्थ के ऊपर, चाहे वो animals है, plants है या फिर humans है, ठीक है, all the living life affects due to pollution या polluted environment. Plants, animal or human, they can survive by adapting with the environment. हमारी living life जो है अर्थ के ऊपर जितनी भी है वो तभी survive कर सकती है proper तरीके से जब हम environment के साथ अपना balance बना के चलें, उसके साथ adapt करके चलें, ठीक है, हमारा natural balance maintain रहेगा, ठीक है, तभी हम लोग survive कर सकते हैं, otherwise धीरे धीरे life on अर्थ जो होगी वो खत्म होती जा रही है, damage हो जाएगी. तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है इस बैलेंस ऑफ नेचर को खराब कर रहा है और कई नेचुरल डिजास्टर लेके आ रहा है, ठीक है. नेचुरल डिजास्टर लाने का ज़्यादा रीजन भी ह्यूमन एक्टिविटीज ही हैं. जितना ज़्यादा हम अपने एनवायरमेंट को पोल्यूट करेंगे उतने ही ज़्यादा ये नेचुरल कैलिमिटीज हमारे ऊपर आएंगी, ठीक है, लाइक अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, सुनामीज, ठीक है. ये ह्यूमन एक्टिविटीज जितनी रॉन्ग वे में होती हैं यही इन नेचुरल डिजास्टर को जन्म देती हैं. और एक बार अगर हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूट हो जाता है तो उसके बाद उसको क्लीन करना बहुत डिफिकल्ट है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्लीन इट, ठीक है. तो इसीलिए जो ये डे बाय डे हमारी डैमेजिंग बढ़ती जा रही है, हमारा पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, बैलेंस इन नेचर खत्म होता जा रहा है, दैट शुड बी कंट्रोल्ड. इसको कंट्रोल करना जरूरी है, नहीं तो लाइफ जो होगी अर्थ के ऊपर. अब ये फोटो देखो स्लाइड के अंदर, इसमें एक्टिविटीज पोल्यूटिंग द एनवायरनमेंट दिखाया हुआ है, ठीक है. इसमें वो चीज़ें दिखाई हुई हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रही हैं. क्या चीज़ है देखो, एक फोटो में दिखाया हुआ है स्मोक निकल रही है बहुत सारी फैक्ट्रीज की, ठीक है. वो फैक्ट्रीज की जो स्मोक निकल रही है वो एयर को पोल्यूट कर रही है. एक फोटो में देख रहे हो कि रिवर वगैरह है, ठीक है, और उसके अंदर कितनी ज़्यादा गंदगी है, ठीक है, जो रिवर सिस्टम को, जो हमारे वाटर रिसोर्सेज को डैमेज कर रही है, ठीक है. और तीसरी पिक्चर के अंदर आपको दिखाया हुआ है बर्निंग, ठीक है, जो बर्निंग अपने आप कॉज हो जाती है या ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, ह्यूमन के रॉन्ग वे में किसी वजह से आग लग जाती है, तो वो आग लगने से जो एनवायरनमेंट हमारा डैमेज होता है, हमारी ग्रीनरी डैमेज होती है, वो दिखाया हुआ है. तो दीज पिक्चर शोज दैट हाउ द ह्यूमन एक्टिविटीज आर पोल्यूटिंग द एनवायरनमेंट एंड दिस ऑल शुड बी स्टॉप, ठीक है. इस सब का स्टॉप होना, एनवायरनमेंट को सेव करना, एनवायरनमेंट के अंदर बैलेंस बनाना ज़रूरी है. नाउ माय लेक्चर इज ओवर एंड यू हैव टू प्रिपेयर इट विद रिटन प्रैक्टिस एंड मेक्स नोट्स. लिसन द लेक्चर 2-3 टाइम्स. इफ एनी प्रॉब्लम अकर यू मे राइट ऑन व्हाट्सएप.